लो खाला कमेटी के पैसे, उस दिन लाना भूल गई थी ना, अब मुझे भी जल्दी से कमेटी दे देना। हाँ हाँ दे दूंगी दे दूंगी। तूने कौन सा अपने नंद का जहेज बनाना है? 20,000 की तो कमेटी है तेरी सिर्फ। मैं क्यों बनाऊं जहेज, अपने खर्चे से पैसे देती हूँ, मैं तो अपने लिए कोई सोने की चीज बनाऊंगी। अरे मेरी आपा आई है, कैसी हो आपा? अब फिर से लड़के तो नहीं आई? जी नहीं, कमेटी देने आई हूँ। अरे आपा किसी दिन तो कोई खुशी की खबर ले आओ। कौन सी खुशी की खबर? लो जी आपा, तुम मिशन ही भूल गई। अम्मा देख लो। मिशन? अपनी नंद को मेरी दुल्हन बनाने का मिशन। दे आदत, इसकी दाल नहीं गलने की ससुराल में। क्यों क्यों नहीं गलनी? क्योंकि तेरी सास जो है ना, वो बहुत ही होशियार औरत है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो खाला। कमल कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। देख तुझे सुल्तान ने उस घर से क्यों निकाला? अपनी माँ बहन की वजह से ना। तेरी बेटी है, बेटा नहीं है जो तेरे कदम इतने मजबूत हो उस घर में। हाँ ये तो है। और पिछली बार भी तुझे उसने निकाल दिया था। निकाला नहीं था, मैं खुद आई थी नाराज होकर। हाँ तो एक ही बात है, तू आ गई और उसने आने दिया। चाहता तो तुझे रोक सकता था ना, मगर नहीं। अब अपना दिमाग इस्तेमाल कर। अगर तेरी नंद इस घर में आ गई तो सुल्तान 1,000 बार सोचेगा तुझे उधर से निकालते वक्त। हाँ कह तो ठीक रही हो खाला। हाँ ना आपा, अकलमंदी की बात है, तुम्हें बहुत देर बाद समझ में आती है। क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही ठोस है। अच्छा देख ना, मैं तेरी माँ बन के सोचती हूँ ना, है ना? अब तू भी बेटी बनकर जरा जल्दी कर ले। ये मेरे आबिद की खुशी ना होती, मैं तेरी नंद को देखना भी पसंद ना करती बन। हाँ ना आपा, और सुन ले, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अजका से, वरना मत जाऊंगा मैं। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अब तू देख तेरी बहन करती है क्या।